हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैरियर जॉब। CSIR की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। क्या वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, वैकेंसी कितनी, सारी बातें वीडियो में करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिल्कुल ही छोटी सी। अगर हमारे चैनल सरकारी कैरियर जॉब पे आप पहली बार आए हो, वीडियोज़ देख रहे हो, तो प्लीज़ लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये लाल बटन आपको अभी वीडियो के नीचे भी नज़र आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बगल में जो बेल आइकन आएगा, यहाँ पे बगल में बेल आइकन आ जाएगा, उसे भी आप जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको सबसे पहले मिले और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओ। तो मेक श्योर, छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और अगर आप चाहो तो इन वीडियोज़ को भी आकर के आप देख सकते हो। ये सारी वीडियोज़ हमने लेटेस्ट वैकेंसी की अपलोड की हैं। मैं गारंटी कहता हूँ ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और कुछ कमेंट करके चाहो तो आप जरूर पूछ सकते हो, हम जरूर कोशिश करेंगे उसका हम आंसर कर सकें। ये आप देख पा रहे हो CSIR मद्रास कॉम्प्लेक्स, मतलब CSIR की जो मद्रास की डिपार्टमेंट है, वहाँ से एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। क्या वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इंपॉर्टेंट डेट से। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 24 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन के लिए रखा गया वो 2 अक्टूबर रखा गया। डेट टाइम बहुत कम दिया गया है यहाँ पे। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट डेट का वेट मत करना। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, देन लास्ट डेट से पहले ही आप अप्लाई जरूर कर देना। एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा ये हम अभी आगे चल के वीडियो में जरूर बताएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं सैलरी की तरफ। तो सैलरी जो यहाँ पे आपको मिलेगी वो 20,000 से लेकर के 42,000 रुपये तक आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे पोस्ट की तरफ। पहली जो पोस्ट है वो है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, इसमें एक वैकेंसी। एज लिमिट की बात कर जाए तो 40 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर जाए, कैंडिडेट्स के पास BE या फिर BTEC होना चाहिए, EEE में या फिर ECE में, और साथ ही साथ कैंडिडेट्स के पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में। और डिजायरेबल में रखा गया कैंडिडेट्स पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग नॉन इंट्रोसिव लोड मॉनिटरिंग। या फिर अगर ये कैंडिडेट के पास डिग्री नहीं है ना एक्सपीरियंस है, तो कैंडिडेट के पास PhD डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, विद डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग नॉन इंट्रोसिव लोड मॉनिटरिंग। दूसरी जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, इसमें एक वैकेंसी। एज लिमिट की बात की जाए, कैंडिडेट्स 50 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तीसरी जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, इसमें 2 वैकेंसी है। एज लिमिट की बात की जाए तो 35 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के लिए। तो उसी तरह एक नंबर जो पोस्ट है उसमें भी 40 साल तक की एज लिमिट है, तो 40 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। 2 नंबर पोस्ट में 50 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, और 3 नंबर पोस्ट में 35 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं 3 नंबर पोस्ट में एलिजिबिलिटीज में रहेगी। कैंडिडेट्स के पास BE या BTEC होना चाहिए, ECE में या फिर EEE में या फिर ENI में, और साथ ही साथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी कैंडिडेट का रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। 4 नंबर जो पोस्ट है, लास्ट पोस्ट है, वो है रिसर्च इंटर्न की। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो 2 वैकेंसी है। एज लिमिट की बात की जाए तो 25 साल तक के अंदर के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास BE BTEC होना चाहिए, ECE में या फिर EEE में या ENI में। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, लेकिन ऑनलाइन ईमेल के थ्रू करना है। कोई और एप्लीकेशन मोड यहाँ नहीं रखा गया, ना आपको कोई और एप्लीकेशन मोड यूज़ करना है। तो मेक श्योर कि आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको अप्लाई ऑनलाइन ईमेल के थ्रू ही करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, और डॉक्यूमेंट्स जो भी हो उसे अटैच करना है, उसके बाद उसे ईमेल पर सेंड करना है। ईमेल कहाँ से मिलेगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, वो हम अब बताते हैं। सरकारी कैरियर जॉब की इस पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे आओ, सारी डिटेल यहाँ पे रीड करो। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, दिन जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, जिसमें डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ये तीनों लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, क्लिक हियर पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, उसे बी केयरफुली रीड करो। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, दिन यहाँ पे जो आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करो, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो, डॉक्यूमेंट अटैच करो, देन ईमेल पे आप भेज दो। ईमेल आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। यही सारी वैकेंसीज की डिटेल थी जो हमने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके कुछ चाहो तो जरूर पूछ सकते हो आप। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस लाल बटन को प्रेस करके अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी आप जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए